गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका परसों पेपर है तो कल तो नहीं है, परसों पेपर है आपका वैसे का, तो आज हम कर रहे हैं रिवीजन। रिवीजन में देखिए आप आपके जैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा अंक बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्योंकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे सबसे बड़ा अंक आप निकाल सकते हो, कोई भी जैसे 5 दिए अंक है, 5 है, 7 है, 12 है, 2 है, 3 है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हुआ 12, और सबसे छोटा अंक कौन सा हो गया 2। ऐसे आपको कोई भी संख्याएं इसमें दी गई होती हैं और उनमें से आपको बड़ा या छोटा अंक निकालना है। अगला है कुछ संख्या है उसमें परिसर निकालना है। क्या निकालना होता है? परिसर। आप देखिए परिसर को कि परिसर कैसे निकाला जाता है। परिसर के लिए जो भी आपको संख्याएं दे रखी है उसमें से सबसे बड़ा अंक देखो कौन सा है, बड़ा अंक कौन सा है और छोटा अंक कौन सा है। अब बड़े में से छोटे अंक को घटा दो तो आपका परिसर निकल जाएगा। जैसे मान लो मुझे इन अंकों में से परिसर निकालना है, तो मैंने देखा सबसे बड़ा अंक हो गया 12 और सबसे छोटा अंक हो गया 2, तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10, और ये हो गया परिसर। तो उम्मीद है आपको आ गया होगा परिसर निकालना। इसके अंदर एक होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। बहुलक के लिए देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई अंक लिखे आपको 2, 5, 5, 3, 3, 3, 1, 1, 7। अब आपको ये इतने सारे अंक लिखे, इसका बहुलक कैसे निकालें? तो देखो कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार है। देखो 2 एक ही बार है, 5 दो बार है, 3 तीन बार है, और 1 दो बार, और 7 एक बार, यानी सबसे ज्यादा बार अंक कौन सा है? 3। तो यानी इसका बहुलक निकल जाएगा कितना? बहुलक हो जाएगा 3। यानी जितने भी आपको संख्याएं दे रखी है उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या लिखी है वही उसका बहुलक होता है। अब मान लो इसका पूछ लिया जाए माध्यक। माध्यक के लिए क्या करें, जैसे ये संख्या दे रखी है इसी का माध्यक निकालना पड़े, तो अपन क्या करेंगे इसको क्रम में जमा देंगे। जैसे देखो सबसे छोटी संख्या 1 कितनी बार है? 2 बार। जितनी बार है वो सारी लिखनी है, फिर कितनी 2 है 1 बार, फिर 3 है 3 बार, फिर 4 नहीं है 5 है 2 बार, फिर 7 है 1 बार, हो गया। अब ये कितनी संख्याएं हैं ये देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2, 4, 8, 4 बार गया, तो 4 के बाद में यानी चौथी संख्या से एक संख्या आगे बढ़ा दो, ये एक और जोड़ दो, यानी कौन सी संख्या निकल जाएगी, पांचवी संख्या जो है वो इसका माध्यक होगी। तो पांचवी संख्या कौन सी देखो, 1, 2 पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, और ये हो गई पांचवी। तो यानी इसका माध्यक कितना निकला, माध्यक निकला 3। ठीक, जरूरी नहीं है कि बहुलक माध्यक 1 हो, बस आपको तरीका होना चाहिए पता कि माध्यक कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे। अब है माध्य, तो माध्य के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए इन सब संख्याओं को जोड़ दो, जैसे 1 प्लस ये 1 प्लस ये 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7। अब ये टोटल संख्याएं कितनी हैं ये देखो आप, तो इन संख्याओं को देखने पर पहले तो इनको जोड़ लो, और कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं, तो अब इनको जोड़ो कितनी हो गई, 1 और 1 2 2 और 2 4 4 5 6 7 7 3 10 10 और 3 13 13 और 5 18 19 20 और 23 23 और 7 30 बटे 9। अब जो भी संख्या आई है उसमें 9 का भाग दे दो तो ये आपका निकल जाएगा माध्य। क्या निकल जाएगा आपका माध्य आ गया कितना, 30 बटे 9। अब ये हो सकता है पूरी संख्या में भी हो, पूरा भाग भी जा सकता है, और बटे में भी हो सकती है, तो ये तो आपको करके देखना पड़ेगा। आगे मान लो इसमें कोई चीज पूछ ली जाती है कि बहुलक क्या होता है, तो ये होता है कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है,
सबसे ज्यादा बार आने वाली, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाएगी? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाएगी बहुलक। डन। अगला है परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होता है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परिसर। डन हो गया। अब है आंकड़ों का माध्य निकालना पड़ेगा, तो माध्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि संख्याओं को आरोही क्रम में होती हैं, ठीक है? क्या होती हैं आंकड़ों में मध्य की संख्या आरोही क्रम में क्या कहलाती है? जो भी मान लो पहले आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आंकड़ों की मध्य की संख्या यानी बिल्कुल बीच की संख्या, बिल्कुल बीच की संख्या, ठीक है, कब? आरोही क्रम में। कब हो? जब उस संख्या को आरोही क्रम, आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा, जैसे पहले छोटे से बड़ा जमाया, अब छोटे से बड़ा जमाने के बाद में बीच की संख्या देखो, जैसे इधर चार हो गए पीछे से चार हो गए, तो बीच की संख्या कौन सी निकल गई? तीन। ये कब होगी? जब पहले आप आरोही क्रम में जमाओगे यानी छोटे से बड़ा जमाओगे और फिर उसमें बीच की संख्या जो है वो क्या कहलाएगी? इसका माध्यक। क्या कहलाएगी? इसका माध्यक कहलाएगी। अगला, आंकड़ों में जितनी संख्याएं हैं उनका योग बटे कुल संख्या क्या हो जाएगी? आंकड़ों में दी गई संख्या का, दी गई संख्या का योग, ठीक है, दी गई संख्या का योग जो है उसमें कुल संख्या का भाग देने पर, कुल संख्या का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? माध्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माध्य प्राप्त होता है। जैसे हमने देखा आंकड़ों में जो संख्याएं दी उन सबको जोड़ा, योग किया और कुल संख्याएं कितनी थी उसका भाग दे दिया, तो जो आंसर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? माध्य कहलाता है। तो ये आपके कुछ रिवीजन हुए हैं। आगे देखिए आप कुछ और तरीके के क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको प्रायिकता पूछी जाए, तो जैसे एक डाइस है, डाइस आप जानते हैं जो अपन खेलते हैं लूडो वगैरह में, तो इस तरह का जो एक डाइस होता है उसमें चारों तरफ आपको पता अंक लिखे होते हैं एक से छः, तो उसमें प्रायिकता निकालो, तो उसमें कितने कितने अंक लिखे हुए हैं? छः भाग लिखे हुए टोटल कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, उसमें लिखा होता है एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार लिखा है, पाँच और छः लिखा है। अब इसे पूछा जाए तो ये कुल कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच और छः, कितने फलक हो गए? छः कुल। अब प्रायिकता पूछी जाए कि मान लो तीन की प्रायिकता कितनी है? तीन अंक आने की, तो तीन कितनी बार आएगा? एक ही बार तो आ सकता है, उसके एक ही फलक पे तो तीन लिखा हुआ है, तीन डॉट एक ही बार बने हुए, ये तो नहीं कि तीन दो बार बने हुए हैं या तीन जगह बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, एक ही जगह बना हुआ है, तो ऊपर एक बटे में कुल कितने हैं? छः। तो ये हो गया एक बटे छः। डन। एक ऐसे ही अपन पासा फेंकते हैं या कुछ भी है उसमें क्या आएगा? निश्चित अनिश्चित की बात है। मान लो इसी डाइस को मैंने फेंका, अब मैं कहूँ कि उसमें आठ आने की स्थिति क्या है, ठीक है, आठ आएगी तो स्थिति क्या है? तो क्या पासे में आठ आ सकता है? नहीं ना, तो ये तो असंभव हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला छः आने की स्थिति क्या है, तो छः की स्थिति क्या है? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब निश्चित तो नहीं है ना, तो क्या हो गया? अनिश्चित। क्या हो गया? अनिश्चित, मतलब छः अब अपन फेंकेंगे तो पक्का बताएंगे कि छः ही आएगा, हो सकता है आए और हो सकता नहीं, यानी कि अनिश्चित, ठीक है। तो ये हुआ। अब आगे है कि मान लो समीकरण जैसे हम बनाते हैं अंक संख्या में x में चार जोड़ने पर, तो x में चार जोड़ेंगे तो x प्लस चार, x में तीन घटाने पर तो x माइनस तीन, x का दो गुना यानी x गुना दो तो कितना हो गया?
दो एक्स, एक्स का सात गुना तो कितना हो गया सात एक्स, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक्स का दस गुना, कोई संख्या का दस गुना तो कितना हो गया दस एक्स बोल दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। अब है मान लो किसी ने बोला कि एक्स का दस गुना सत्तर होता है, तो एक्स का दस गुना यानी दस एक्स क्या होता है सत्तर, यानी बराबर में सत्तर। यानी एक बोले एक्स में कोई तीन जोड़ने पर सात प्राप्त होता है, एक्स में तीन जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है सात, तो बराबर में सात। ये हो गया आपको समीकरण लिखने का तरीका। अब इनको हल करने का तरीका, जैसे इसमें एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको समीकरण दे दिया एक्स प्लस तीन बराबर सात, तो फिर क्या करेंगे एक्स यही छोड़ेंगे और तीन इधर ले जाके घटा देंगे, प्लस का है माइनस का तीन हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना बचेगा चार। अगर हो संख्या इस तरह से एक्स माइनस तीन बराबर सात, तो एक्स बराबर सात, ये तीन माइनस का है तो ये इधर जाके प्लस का तीन हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा दस। लेकिन अगर मान लो उसने दिया जाए आपको कि सात एक्स बराबर सात ऐसे दे दिया, तो फिर आप क्या करेंगे एक्स बराबर सात ये गुणा में, तो ये बटे में सात चला जाएगा नीचे, और सात का भाग सात में देंगे तो एक बार गया। अगर आपको यू दे दें एक्स बटे सात बराबर सात, तो फिर आप क्या करेंगे एक्स बराबर सात ये नीचे वाला सात ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये हो जाएगा सातु सातु उनचास। तो ये जोड़ घटाव और गुणा भाग के अंदर आपको समीकरण लिखना बनाना और समीकरण को हल करना। तो एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और जब भी पेपर है उसको बहुत अच्छे से दीजिएगा। ओके, थैंक यू।